Hi guys, so welcome back to Foodify and we are back again with another delicious recipe. So if you like this recipe, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and stay tuned for the recipe. So here we are today again to spoil you a little. आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान पनीर पिज़्ज़ा विद लॉट ऑफ चीज़ एंड यमीनेस एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है. सो स्टे ट्यून फॉर द रेसिपी. सबसे पहले एज यूजुअल हमने पिज़्ज़ा बेस लिया है, उसको हमने बहुत ही केयरफुली बड़े से चाकू से बीच से कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ऑन 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज़ यहाँ पर. अब हमें लेना है चीज़ स्लाइस और उसे हमें इस तरीके से तोड़ करके बीच में रख लेना है. ये जस्ट आपका चीज़ जो है वो बढ़ाने के लिए है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. ये देखिए. उसके बाद हमने लिया है थोड़ा सा शेजवान, यहाँ पर हमारा जो रेडीमेड शेजवान मसाला होता है वो, उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा टोमेटो सॉस टू इंक्रीज़ द फ्लेवर. दैट इज़ टोटली ऑप्शनल, आप डायरेक्टली शेजवान भी यूज़ कर सकते हैं. एक अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे सॉस को अप्लाई किया है 2 to 3 टेबल स्पून. उसके ऊपर मैंने रखा है 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज़. अगैन दोनों चीज़ों को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे. उसके बाद इस कोटिंग के ऊपर हम रखेंगे हमारा जो क्यूब्स में कटा हुआ आपका चीज़ है वो रख देंगे यहाँ पर. मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ की है. उसके बाद मैंने लिए हैं थोड़े से मशरूम्स, उसको मैं लेयर कर दूँगी. ऑनियंस के बाद हमने थोड़े से कैप्सिकम ले लिए थे, मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कैप्सिकम ले लिए हैं. उसके बाद मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके उसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी और यहाँ पे रेड चिली लगा करके, नमक लगा करके, और मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए. वो क्यूब्स को भी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ. अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली पनीर के क्यूब्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट टू इंक्रीज़ द फ्लेवर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करी थी. उसके बाद इसमें हमने पनीर को ऐसे रख देना है. मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी क्वान्टिटी में पनीर रखा है, अराउंड 1 जो छोटा बोल होता है वो मैंने पनीर का लिया था. तो वी हैव ट्राइड दिस रेसिपी विद रेडीमेड बेस. अगर आप चाहें तो मैं ये रेसिपी आपको होममेड बेस के साथ भी बता सकती हूँ. प्लीज़ कमेंट इन सेक्शन अगर आपको इसे होममेड बेस के साथ में देखना है तो. सो ये देखिए हमारे पनीर हो गए हैं लेयर्ड. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग. थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऊपर से डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम यहाँ पर ऐड करेंगे. बोथ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ी सी रेड चिली भी इसके ऊपर डाल सकते हैं. एंड देन हमने डाला है थोड़ा सा यहाँ पर जो मिक्स पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है, ऑरिगेनो, थाइम्स वगैरह वाली, वो डाल दी है. देन हमने यहाँ पे बहुत ही जेनरस अमाउंट में चीज़ का यूज़ किया, अराउंड हाफ ब्लॉक हमने यहाँ पे चीज़ की यूज़ करी थी. उसके ऊपर अगेन मैंने ऑरिगेनो और जो मिक्स पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो ऐड कर दी है. नेक्स्ट मैंने मोटे बेस का एक पैन लिया है और उसे मैंने प्री हीट कर दिया है 5 to 10 मिनट्स के लिए. एक अच्छी हीट पर आप इसकी लिड कवर कर दें कुछ इस तरीके से और इसे प्री हीट कर दें. उसके बाद हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और इसको मेल्ट होने तक कुक किया हमने इसमें. सो इफ़ यू डोंट हैव माइक्रोवेव, आप इस तरीके से पैन में इसे बेक कर सकते हैं. और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो जस्ट 1 मिनट के लिए इसे प्री हीट मोड पे लगाएं और आपका पिज़्ज़ा बन के हो जाएगा रेडी. तो एज इट इज़ आप इसे घर पे इतना ईजिली बना सकते हैं. देयर इज़ नो नीड टू गो आउट एंड ईट ऑल दीज थिंग्स. सो मेक इट एट होम. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. और फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड उसके बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर बजा दें. और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लोडेड विद द चीज़ एंड ऑल. ट्राई करें इस रेसिपी को और इन्जॉय करें. और enjoy this pizza and don't forget to comment in this post and thank you for watching.